खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। किसी को दर्द देना आम बात है, लेकिन किसी को दर्द से बाहर निकालना अपने आप में एक भावनात्मक कार्य है, फिर वो मनुष्य हो या जानवर। ऐसा ही एक कार्य बिलफांग थाने के अंतर्गत आने वाले गांव बेरछा के छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। इसी गांव में कुछ दिन पहले एक बंदर को कुत्ते ने घायल कर दिया था, तब भी यही छोटे छोटे बच्चे आगे निकलकर आए और उस बंदर की जान ही नहीं बचाई बल्कि वन विभाग को सूचना भी करी और बंदर को सुरक्षित वन विभाग में पहुंचाया। ठीक आज भी कुछ ऐसा ही वाकया सिर्फ बेरछा में हुआ। एक नीलगाय का बछड़ा झाड़ियों में फंस गया तो इन्हीं छोटे छोटे बच्चों ने नीलगाय के बछड़े को झाड़ियों से निकाला और उसका इलाज भी करवाया और वन विभाग को सूचित भी किया। ये बच्चा लेके आए कहाँ से? लेके आए बच्चा नीलगाय का? ये झाड़ियों में फंसा हुआ था, खेत की तरफ से आ रहे थे, उधर से मिला हमें तो हम लेके आ गए और उसका इलाज करवाया। और हम इन जानवरों के लिए हम कहाँ पे भी होते हैं, ये कैसे भी बीमार होते हैं, हम इनको इलाज करवाते हैं और वन विभाग वाले को भी सूचना दी है, वो आएंगे और इसको ले जाएंगे। और पहले भी गाँव बेरछा में एक बंदर का जो हो गया था वो उसको भी हमने वन विभाग वाले को सूचना देकर उनको भी ले गए वो आके और उसका भी इलाज करवाया था। ये कितने सारे छोटे छोटे बच्चे ही हैं कि बड़े भी रहते साथ में? नहीं, हम छोटे छोटे ही। तो ये भावना कहाँ से पैदा हुई आप में, कैसे मतलब ये किस तरह से ये जो कार्य कर रहे हो तो ये आपके विचार कहाँ से आए? हम संगठन से जुड़े हुए हैं, गौ रक्षक संगठन से, और हम जानवरों के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं और अगर उसके लिए हमको जान भी देनी पड़े तो हम जान देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इस जीव जंतुओं का हम अच्छे से देखभाल करें। रतलाम से नारायण चौधरी की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।